बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद है सब फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे जी। आज की वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, ये फ्रीलांसर्स के लिए और यूट्यूबर्स के लिए सब के लिए ही है। ये एक एप्लीकेशन है जो वीडियो एडिटिंग की, ठीक है, मोबाइल के लिए। और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर था फिल्मोरा 9, मैंने उसके बारे में तो वीडियो बनाई थी, लेकिन मोबाइल की ऐप जो है ना, इस पर कोई वीडियो पहले नहीं बनाई थी। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। काइनमास्टर इसका नाम है, ठीक है, काइनमास्टर एप्लीकेशन है ये आप लोग इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, और देन जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये जैसे सामने मेरे पेज पे खुला हुआ है लैपटॉप की स्क्रीन पे, मोबाइल की इस तरह से खुल जाएगी। इसमें सेंटर वाला जो बटन है जहाँ ये प्लस का निशान बना हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा अभी रेशो क्या रखना है इसकी, 1:1 है, 9:16 है एंड 16:9। ये लैंडस्केप है फर्स्ट वाली जो इस साइड पर खड़ी है, और जो सेंटर वाली है ये आप लोग देख रहे हैं पोर्ट्रेट में है, और आगे जो बॉक्स में आ जाती है। तो हमने क्योंकि वीडियोस चलानी होती हैं ज़्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन पर भी चलती हैं, तो हम सेंटर वाला नहीं, ये अपना जो है लेफ़्ट साइड वाला 16:9 वाला, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये लेआउट आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ मीडिया का ऑप्शन है साइड पे, राइट साइड पे ऑडियो का है, लेफ़्ट साइड पे लेयर का है, नीचे वॉइस का है। तो हमने वीडियो यहाँ पे ऐड करनी है या ज़्यादा वीडियोज़ ऐड करनी है, जैसे भी आप चाहें, या अगर आपने यहाँ पे ऑडियो वगैरह ऐड करनी होती है। मीडिया में आए यहाँ पे, ये हमारा जो स्टोरेज थी इंटरनली, अगर आपको मेमोरी कार्ड अटैच है तो आपके सेलफोन में, हमने इसको सेलेक्ट किया। नीचे आप लोग देख रहे हैं, जब इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद ये राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर के अंदर टिक का निशान बना, हमने टिक किया, ये हमारी वीडियो यहाँ पे जो है ये आ चुकी है। हम यहाँ से इसको प्ले करके भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है, यहाँ पे आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं, क्लिप है ऑडियो का वो ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा वीडियोस जो क्लिप्स हैं आप उनको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप इसको लेके आएंगे, और ये दूसरी वीडियो मैंने पहले कन्वर्ट की थी, इसको एडिट किया था, ये देखें दोनों ऐड हो गई, दरमियान में ये निशान बन गया और ये आगे जो है ऐड हो गई है। और अगर यहाँ से किसी क्लिप को हमने डिलीट करना है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर देखें अब येलो निशान साइड में बॉर्डर बन गया। तो बॉर्डर बनने के बाद यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, हमने डिलीट को दबाया, ये ख़त्म हो गई। कोई चीज़ भी अगर हमने यहाँ पे एडिट करते वक्त डाली है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब चीज़ है ऑडियो, ऑडियो में यहाँ अगर आपके पास कोई मौजूद पड़े हैं ऑडियो जो क्लिप्स वगैरह हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ये ऐड कर दिया मैंने, ये मेरी वॉइस थी, मैंने थोड़ी सी ऐसे रिकॉर्ड की थी चेक करने के लिए, तो ये यहाँ पर ऐड हो गई है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर किसी वीडियो में एडिटिंग करनी है, वीडियो में एडिटिंग के लिए आपने इसको क्लिक किया, ये कट करने का ऑप्शन है, ट्रिम का, स्प्लिट का, इसके बाद ये क्रॉप का है, क्रॉपिंग आ गई है, ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं। और इसके आगे ये वॉइस का है कि आप इसकी आवाज़ जो है वो कहाँ से कैसे सारी सेटिंग, लेफ़्ट से राइट हो, पिच कितनी हो, इसका वॉल्यूम कितना हो, कंप्रेस करना है नहीं करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, वॉइस की सारी रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पर हैं। देन है ये लेयर्स। अब लेयर्स में एक ऊपर ऑप्शन है मीडिया का, यहाँ से आप मीडिया ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स का, इफ़ेक्ट्स, ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स, ये बेसिक इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, ये देखें आप, थोड़ा सा मध्यम वाला इफ़ेक्ट आ गया, ये किस तरह का आ गया, ठीक है ना, ये देख लें, ये मोज़ेक किया, इसको आप छोटा कर सकते हैं, इसको आप ब्लर कोई चीज़ भी करने के लिए आप इसको जो है वो लगा सकते हैं किसी भी जगह पर, यहाँ पर आप ब्लर करना चाहें कोई कॉन्टेंट, अगर आपका कोई चीज़ गलत आ गई है आपकी वीडियो में तो उसको हम सेट कर सकते हैं। इसको तो मैं डिलीट कर दूंगा। इसके बाद ऑप्शन है ओवरले, ये देखें, क्लासिक स्टिकर्स, यहाँ पे स्टिकर्स लगा सकते हैं, कोई और चीज़ आप जो चाहें ये देखें, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है हम उसको सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद ये उसके जो मूवमेंट है वो हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ये पल्स किया, फ्लिकर किया, ये जिटर है, ब्लिंक स्लोली, यहाँ हर्ट की थी, मुख्तलिफ हैं, ठीक है, यहाँ इसकी ये सेटिंग हो सकती है, आप जो भी इफेक्ट लगाएंगे उसकी जितनी आपने सेटिंग करनी है, आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन, ठीक है, ये हर चीज़। और इसके ये ओपेसिटी है, ट्रिम स्प्लिट है, रोटेट करना है, मिरर करना है, ये ब्लेंडिंग है, यहाँ इसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सेटिंग्स हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारी लेयर्स में जाके नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन भी है, यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहेंगे, ठीक है, मैंने लिख दिया सब्सक्राइब, ओके कर दिया, ये हमारा आ गया।
ठीक है, इसको मैं बड़ा करूँ छोटा करूँ, जहाँ इसकी सेटिंग मैंने बनानी है मैं वहाँ सेटिंग बना दूँगा। इसका मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट चेंज करने के लिए मुझे यहाँ से किसी को भी जिसको मैं सेलेक्ट करना चाहूँ उस फॉन्ट में आ जाएगा। इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, जो भी इसका मैं कलर रखना चाहूँ, इसको मैं अगर स्प्लिट करना है, ट्रिम करना है, स्प्लिट करना है, तो यह ऑप्शन उसका भी है। और यहाँ एनिमेशन ये किस तरह से यहाँ पे शो हो, पॉप अप हो, स्लाइड राइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जैसे आम कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर में हर चीज़ होती है। ठीक है, ये वो चीज़ है। यहाँ ये देखें, आउट एनिमेशन, अल्फ़ा, रोटेट, मिररिंग, शेडो, ग्लो, आउटलाइन, बैकग्राउंड कलर, यहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ आप इजीली सारी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्या, टेक्स्चुअल हैंड राइटिंग का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, ये वॉइस का ऑप्शन है। अगर वॉइस में आप यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जहाँ से जिस जगह से आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है इसको दबाएंगे, और अब मैं ये जो बात सारी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड भी हो रही साथ साथ। ठीक हो गया ना, बिल्कुल इजी, आप लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसको आप स्टॉप करें, आपकी वो जो रिकॉर्डिंग है ये नीचे आ चुकी है। ठीक है, सेम वही क्राइटेरिया जैसे फिल्मोरा वगैरह में या किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है कि पहले एक जगह पे उसके ऊपर जो चीज़ आएगी, फिर उसके ऊपर ये ओवरले है, काइनमास्टर ये नीचे ऑडियो आ गई, और अगर वो पिक्चर्स लगाना चाहते हैं वो पिक्चर भी लग जाएगी। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो इजीली आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने फाइनल टचअप दे दिया, आपने सारा इसको एडिट कर लिया, एडिट करने के बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, मेन चीज़ वो चीज़ भी एक्सपोर्ट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए आप ये ऊपर वाला जो बटन है राइट कॉर्नर में, इसको दबाएंगे, ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे जो आपका ये प्रोजेक्ट था। ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने अभी अभी किया है, अनटाइटल्ड वन नेम था, इसका नेम नहीं दिया था ना, अगर नेम दिया था तो फिर पता होता। अब यहाँ पर आपने प्ले ऑप्शन पर अगर दबाएँगे तो प्ले हो जाएगा, शेयर, और आगे ये ऑप्शन है डुप्लीकेट प्रोजेक्ट, आगे डिलीट प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने शेयर के ऑप्शन पर जाना है, इसको शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद ये रेजोल्यूशन क्या है, 1080 में है, या सॉरी 720 में होगी। ठीक है, और ये बिट रेट 8.51 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। यहाँ आगे आप यहाँ इसकी क्वालिटी चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ जितनी आप लेके जाना चाहें। ठीक है, हमने ये ज़्यादा कर दी, यहाँ एक्सपोर्ट का बटन है नीचे, अभी हमारा प्रोजेक्ट है एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आपकी वीडियो बड़ी बनेगी तो उसका ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा एक्सपोर्टिंग में, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ मेरा इस पर थोड़ा लग रहा है, और ये इंशाल्लाह अभी एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये हमारा हो गया जी, वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से हम इसको प्ले करके देख भी सकते हैं, इसको वीडियो प्लेयर में हम देखेंगे। ये अभी हाँ ये देखें, ये आ गया हमारा सब्सक्राइबर, वो पीछे बॉल लगी हुई थी, सेक्टर जो हमने थोड़ा सा एडिट